अब ये कीचड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बाइक को कैसे काबू किया है। हाँ हाँ जा बच बच। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस मकाम का नाम है कुंड मलिर और मैं कुंड मलिर कैसे पहुंचा था वो तो आपने पिछली स्टोरी में देखा होगा। कुंड मलिर में काफ़ी रात को पहुंचा था तो मैंने ख़ुद भी कुंड मलिर सही तरीके से देखा नहीं है, तो आज मैं कुंड मलिर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दरियाए हेंगोल का एक झलक दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर दरियाए हेंगोल दिखाने वाला हूं। और सबसे मज़े की बात यह है कि दरियाए हेंगोल यहां पर ख़त्म होता है, मतलब समंदर के साथ मिलता है। तो आज मैं उस मकाम की तलाश में निकलने वाला हूं जहां पर दरियाए हेंगोल ख़त्म होता है। और हां, याद रहे कि वीडियो वहां पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उस मकाम से 15 या 20 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत मंदिर है जिसका नाम है हेंगलाज माता मंदिर। एक पहाड़ के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का मंदिर है, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ। ये है जनाब कुंड मलिर, जहाँ पर शीशी जैसा साफ समंदर, सहरा और पहाड़ एक ही मुकाम पर मौजूद है। ये दरअसल मछेरों की एक छोटी सी बस्ती है जहां पर मछेरे मछली पकड़कर उसे कराची और पूरी पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। यहां पर समंदर भी बहुत गुस्से में लग रहा है यार, काफी अच्छा रंगीन माहौल है यार। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ बहुत सारे मछेरे, ऊपर से परिंदे। ये लोग अपने अपने लांचों का इंतजार कर रहे हैं, अभी इनके लांच आएंगे तो वहाँ से ये लोग मछली निकालेंगे। जिसका लांच पहुंच गया है वो लगे हुए हैं अपनी मछली निकाल रहे हैं। ओए ओए आ गया। और यहाँ की ये जो परिंदे हैं काफी हेल्दी है, इनमें से एक एक परिंदे का वजन कम से कम डेढ़ डेढ़ दो दो किलो होगा। उसकी वजह यह है कि इनको यहाँ पर बहुत सारा खुराक मिलता है, तो 24 घंटे ये लगे रहते हैं और काते रहते हैं। और यहाँ पर इन लोग इनका शिकार भी नहीं करते, शायद इनका गोश्त हलाल नहीं है इसलिए, वरना अभी तक इसका नाम निशान भी ना होता। तुम दोनों इधर आओ। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, तुमने मेरे साथ जाना है ठीक है या यहीं पर रहना है? यार मेरी बात तो सुनो ना यार, बात सुनो बात सुनो। इधर आओ, दोनों इधर आओ। और ये जगह कराची से 240 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस मकाम को पिछले साल एशिया के 50 खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल किया गया है। इतने अहम और खूबसूरत मकाम होने के बावजूद यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। पीने का पानी खरीदना पड़ता है, इंटरनेट नहीं है, एक दो होटल हैं जो कि बहुत महंगे और आम आदमी के पहुँच से दूर है। कुंड मलिर के आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन उसमें कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि कुंड मलिर को कुंड मलिर क्यों कहते हैं। आपको पता है? नहीं पता कोई बात नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कुंड मलिर की रोड पर एक ऐसा मुकाम आता है जैसे सामने यहाँ पर कुंडली मारी हो, इसलिए इस मकाम को कुंड मलिर कहते हैं। नॉर्मल व्यू से शायद आपको यह जगह नजर ना आए, लेकिन ड्रोन व्यू से वाजह तौर पर नजर आ जाता है।
یہ مقام بے انتہا خوبصورت ہے اور دریائے ہنگول اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس مقام کا نام ہے ایگور، سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں دریائے ہنگول، ہنگول ریور۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہنگول ریور۔ یہاں پر ہنگلاج ماتا مندر کے لیے راستہ مڑتا ہے اور اس طرف بھی ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ دریا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دریائے ہنگول کا نام تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن دیکھا نہیں ہوگا، تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ ہے جناب دریائے ہنگول، ابھی تو بالکل سوکھا پڑا ہے لیکن جون جولائی میں یہاں پر کافی پانی ہوتا ہے۔ لیکن ابھی سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ میں وہ جگہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ دریا سمندر کے ساتھ ملتا ہے۔ دریائے ہنگول کا اینڈ، السلام علیکم۔ اچھا اچھا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا اچھا اچھا، یہ دریائے ہنگول کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ یہ لمبی جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، یہ روڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ اس روڈ پر جاؤ، اس روڈ میں جاؤ، کچا کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچے روڈ پر میں عادی ہوں۔ ہاں عادی ہے جی، شکریہ جی، شکریہ۔ یہاں پر ایک اور بھی بہت ہی اہم مقام ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہی پر ہے۔ اور لیکن واپسی میں سب سے پہلے ابھی جاتے ہیں یہ اینڈ دیکھتے ہیں۔ یار یہاں پر یہ تو کیچڑ ہے، میں پھنس نہ جاؤں۔ اوف، اتنی پھسلن ہے، اب یہ کیچڑ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے بائک کو کیسے قابو کیا ہے، یقین کریں مجھے خود بھی یقین نہیں آتا۔ یار ابھی تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں اس راستے پر، نہ کیچڑ ختم ہوتا ہے اور نہ راستہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی ایک طرف گرتا ہوں، کبھی دوسری طرف۔ وہ جو چاچا تھا نا، وہ ابھی کاظم بھائی کا دوسرا بھائی تھا۔ ایک تو راستہ ہے ہی نہیں، یہاں پر بالکل ختم ہو گیا راستہ۔ یہ دیکھو جناب میں کہاں سے آ رہا ہوں، وہ جو پہاڑ ہے نا سفید، وہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ پہاڑ کافی نزدیک دکھائی دیتا ہے لیکن اتنا ہے نہیں۔ میں وہاں سے ہو کس طرح، اور ابھی پتہ نہیں اور کتنا راستہ باقی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ بھی میں کنفرم نہیں ہوں کہ یہ راستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میں پتہ نہیں کیا کیا میں نے۔ یار کبھی کبھار میں ایک دم پاگل ہو جاتا ہوں، لگتا ہے اللہ نے کرم کیا۔ یار ایک بندہ پیچھے سے آ رہا ہے بائک پہ اور آگے جا رہا ہے، اور مقامی ہے، تو چلو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا بھائی جان، بات سنو، یہ آف کر دو تاکہ میری بات سمجھ آئے آپ کو۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا وہ جو دریا اور سمندر آپس میں ملتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ کتنا آگے ہے؟ کتنا، 10 منٹ کا راستہ ہوگا؟ 10 منٹ کا ہو گیا، بارش ہو گیا، راستہ خراب ہے، آرام آرام سے 20 منٹ لگے گا۔ 20 منٹ لگے گا، تو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت تیز نہیں جانا، میرے ساتھ ٹھیک ہے جی، آپ آگے ہو جاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے۔ ہاں ہاں جا، بچی بچی، ایک منٹ
बच गया ना। हाँ हाँ मैं बच गया, मैं बच गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ पर फिसल गया फिर। चलो हाँ हाँ ठीक। नहीं नहीं शुक्रिया, बोतल है मेरे पास। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर तो बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, और यकीन करिए अगर ये बंदा ना आता ना, वो जो सामने जा रहा है, तो मैं तो यहीं से वापस जाने वाला था। पता नहीं वो रास्ता कहाँ से ढूंढ लेता है यार। बस वो मकामी है ना यहाँ के, रोज़ उनका आना जाना होता है। यही पर है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा ठीक। अच्छा वापसी में मैं इसी पे, तो वापसी कब जाओगे? वापसी 20 मिनट वापस जाओगे, तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ पर इस तरफ आके मुझे ले जाओ। देर हो गया। अच्छा देर नहीं करो, तुम जाओ इधर खड़ा हूँ। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो सोच रहा था वापसी कश्ती में होगी, लेकिन वो कह रहा है ऐसा कोई सीन नहीं है, वापसी इसी रास्ते से करनी होगी। चलो कोई मसला नहीं, बस इंशाल्लाह भी मैं बिल्कुल करीब हो गया हूँ, बल्कि पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह करे कि मैं गिर ना जाऊँ यार, बहुत फिसलन है यहाँ पर। खैर स्लो जाता हूँ फिसल जाता हूँ। तो जनाबी वाला गिरते पड़ते बिल आखिर हम दरियाए हंगोल के एंड में पहुँच गए हैं, और इस इलाके को डेल्टा का इलाका कहा जाता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी है, बहुत सारी लकड़ी, ऐसी लकड़ी है कि मतलब जलाने के लिए ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में गैस नहीं है तो यहाँ से आप लकड़ी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, और ये आप देख रहे हैं ये लकड़ी, ये क्या दिख रही है आपको? थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, समझ नहीं आया? ओ भाई जान चिपकली पड़ी है यार, बड़ी सी चिपकली है। ये किसी की चप्पल है यार, ये किसी की चप्पल नहीं, ये तो यहिया खान की चप्पल लग रही है। इतना बड़ा पैर यहिया खान का हो सकता? एक साइड से बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से किसी कुत्ते ने काटा, इसको क्या हुआ है? चलो जी, ये क्या है भाई, ये भी चप्पल है यार। यार कोई कीमती चीज़ मिल जाए। ये क्या है, कोई कीमती चीज़ मिल जाए, ट्रिप का खर्चा निकल आएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं सारे की सारी लकड़ी पड़ी है, और पता नहीं ये लकड़ी खुद ब खुद साहिल पर क्यों आती है। थोड़ा सा इस तरफ चलता हूँ, ओए होए यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हर जगह गिर जाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, लगता है बूढ़ा हो गया हो यार। ओए ओए ये क्या है यार, लगता है शुतुरमुर्ग का अंडा है। मिल गया जी, अरे तेरी शुतुरमुर्ग का अंडा हमारे किस्मत में कहा। मैंने तो सोचा था कि लंच का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन हमारी इतनी किस्मत का जी। मेरा शक सही निकला, आप देख सकते हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर समंदर है, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो दरियाए हंगोल है, और दोनों आपस में यहाँ पर मिलते हैं। मैं ऐसा करता हूँ ड्रोन उड़ाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मुलाहिज़ा कीजिए।
ये था जनाब दरियाए हंगोल और उसका एंड। और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नानी मंदिर की तरफ, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा है कि वहाँ पर मुझे जाने देंगे या नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। अब इजाज़त किससे लेनी है वो भी नहीं पता। बहरहाल मैं कोशिश कर सकता हूँ, वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अब वो मुझे इजाज़त देते हैं या नहीं देते वो तो उन लोगों का काम है, मेरा काम है वहाँ तक पहुँचना। तो चलिए फिर सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मौला इस तरफ से खैर करना, क्योंकि इस तरफ से वो बंदा भी मेरे साथ नहीं है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और आज मैं फिर कहने वाला हूँ कि अगर आप मुसलसल बाइक भगा रहे हैं और आपने बस एक गोल सेट किया है कि मैंने उस जगह तक पहुँचना है, तो मेरे भाई फिर आप बाइक राइड के मज़ा नहीं ले सकते। अभी जब मैं हंगोल दरिया से वापस आया तो यकीन करिए बहुत थक गया था, तो मैं सीधा गया होटल। होटल में मैंने खाना खाया, चाय वगैरह पी और आधा घंटे के लिए मैंने पावर नैप ले लिया। यकीन करें अब मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ नानी मंदिर की तरफ। तो अभी जब मैं नानी मंदिर को देखूँगा तो मुझे मज़ा आएगा क्योंकि थकान नहीं है। ये चंद फॉरनर हैं और इनको स्कॉट दिया गया है, ये मुझसे मिले थे वहाँ पर। ये सब मुझे मिले थे वहाँ पर होटल में और इनका सबसे बड़ा गिला ये था कि हुकूमत ने हमें जो है एस्कॉर्ट दिया है, इन्होंने हमारे फ्रीडम छीन लिए हैं। हम अपनी तबीयत के मुताबिक सफ़र करना चाहते हैं, जहाँ दिल करे स्टे किया, जहाँ दिल करे चल दिए। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमसे ये फ्रीडम छीन लिया। व्हाट्सअप No. I think they stopped, but I don't know why. I was a bit in front. Okay. I don't know what is the reason. Okay. Okay. Anything help from my side? No, thank you. Okay. Okay, I'm going ahead. Right. Okay. Thank you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। कितना रास्ता है आगे? 15 किलोमीटर। पक्का रास्ता है? नाम यहिया खान। ओके, शुक्रिया जी। मंदिर तो आगे है लेकिन ये जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है यार। पता है मुझे कौन सा इलाका याद आ गया? अगर आपने मेरी स्टोरी 46 देखी है जिसमें मुझे जिन्नात भी मिले थे, वहाँ पर एक जगह ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन यहाँ के जो पहाड़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बस जो हुआ भाईजान बहुत बुरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूँ। हाँ मैं बच गया हूँ। चलो इसको उठाते हैं।
आज तो दूसरी बार मैं गिर गया। अच्छा हाँ, वो पानी का बोतल दे दे यार, इधर रख दे। वो हैंडल भी मोड़ गया। चलो असल में मैं पहाड़ को देख रहा था, मोड़ के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा। वो पहाड़ को देख रहा था, वो जो सामने है। चलो ठीक है भाईजान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहुत गलत आदत है यार कि मैं चलते हुए इधर उधर बहुत देखता हूँ, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि स्पीड इतनी नहीं थी। स्पीड होती तो फिर नुकसान हो जाता। और अभी भी मेरे ख्याल से हैंडल टेढ़ा हो गया है। मैं इन पहाड़ों को देख रहा था, अभी फिर दोबारा देख रहा हूँ। सीधा रोड की तरफ देखो यार। हम कितने बदनसीब लोग हैं कि ऐसी जगह भी हम नहीं बेच सकते, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। मंदिर तो अपनी जगह, मंदिर तो दूर है अभी, मंदिर तो हम जाएंगे, लेकिन ये जो जगह है, इतनी फोटोजेनिक जगह है ना, हम इसको भी बेच नहीं सके। मंदिर में मुझे जाने दे या ना दे, लेकिन खुदा की कसम ऐसा नज़ारा देखने को मिला ना कि दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया यार। आपने भी देखा होगा, और अगर आप यहाँ पर आते भी हैं ना, तो आप ये नज़ारा नहीं देख सकते क्योंकि ये काफ़ी दूर है, मेन रोड से काफ़ी दूर है, और पहाड़ की ऊंचाई पर कौन जा सकता है। तो मेरे पास तो ड्रोन है, सारा कुछ मैं ड्रोन से आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे तो मज़ा आ गया। लैंडिंग, ओके जी, लैंड कीजिए। ठीक है जी, लैंड कर रहा है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं ड्रोन उड़ाता था ना, मेरा ब्लड प्रेशर गिर जाता था, मेरा सारा वजूद कांपने लगता था। इसकी वजह यह है, जब आपकी 3-4 लाख रुपए हवा में उड़ रही हो ना, तो बहुत डर लगता है, लेकिन अभी नहीं लगता, आदत हो गई है ना। आज तो तूने कमाल कर दिया यार। ओए होए, आराम से, आज तो आपने कमाल कर दिया। ओके ओके, बैठो बैठो। बाबे सरगवासी अमर मुखी शिवराम लासी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? मंदिर आ गए? कितना आ गया? अच्छा, और ये क्या है? किसका मंदिर है? गणेश भगवान का। गणेश भगवान, अच्छा अच्छा, चलो वापसी में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन है, किधर से आ रहा है? सर मेरा नाम यहिया खान है, और मैं बरास्ते कराची पेशावर से आ रहा हूँ। क्या मुसलमान है? जी मुसलमान। अच्छा जी, क्या है? ये मेरा टेंट है। इधर ही रिहाइश करते हैं? तो सर जहाँ पर रास्ते में रात हो गई तो स्टे तो करना पड़ेगा ना। पेशावर से आ रहे हैं? जी पेशावर से आ रहा हूँ। मुसलमान है? जी मुसलमान। ये क्या कैमरा है? ये कैमरा है। किस चीज़ का? ये रास्ते पर जाते हैं, कोई जगह हमें अच्छी लगी उसकी वीडियो बनाते हैं जी। इसमें जाहिर है? हाँ, इसमें सब कुछ जाहिर है। जाहिर सा क्या मतलब? मतलब सब कुछ देख रहा है। हाँ, हाँ हाँ, वो रास्ता जहाँ पर हमें अच्छी लगी है, बस उसको वीडियो बनाते हैं। मंदिर कितना दूर है यहाँ से? आगे वाला सीधे। अच्छा, शुक्रिया।
सर आपका क्या नाम है? मेरा? हाँ। मालिक। मालिक, अच्छा कहाँ से है आप? हम बलोच है ना आप? अच्छा अच्छा, हाँ मालिक। मंदिर आ गया? इस मंदिर का असल नाम काली माता मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मकामी लोग इसको नानी मंदिर कहते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने दौरा किया था, और 28 अप्रैल को यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का इनेकाद होता है, जिसमें शिरकत करने के लिए लोग 700 किलोमीटर दूर कराची और तरपारकर से आते हैं। कुछ लोग तो इंडिया से भी आते हैं, और हैरान कौन बात तो ये है कि कुछ लोग ये सफ़र पैदल तय करते हैं। जायरीन इस मंदिर से 40 किलोमीटर पहले चंद्रगुप्त मड वोल्केनो को विजिट करते हैं और इसके बाद इस मकाम पर पहुंचते हैं। मैंने सोचा था यहाँ पर एक मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ नामों के बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर में अलग अलग पंडित मौजूद हैं जो आए हुए हिंदू जायरीन की पूजा करवाते हैं। इस मंदिर से थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ के पेट में मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ मंदिर बने हुए हैं जहां पर हिंदू यात्री जोर जोर से अपना भजन गाते हैं। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। यहाँ से आगे एक और मंदिर है जिसके दरवाजे के सामने गाय माता को बांधा गया है, और यहाँ पर इसकी अच्छी खातिरदारी होती है। इस मकाम के आगे एक और मंदिर है जहाँ पर हमारे हिंदू बिरादरी अपनी यात्रा का इख्तिताम करते हैं और अपने जिंदगी के मसाइल मकामी पंडित के साथ डिस्कस करते हैं। मांगने के तरीके ना तो समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कवर कर रही है। एक होता है कैसे हस्केल के लिया जाता है, दूसरा जो होता है गड़गड़ा के लिया जाता है, तीसरा घुटनों के बल लिया जाता है, चौथा ऐसे हाथ करके लिया जाता है। लेना तो वही है जो तुम मांग रहे हो, देगी तो वही, मगर खामोशी से मिले वो अच्छा है या चीख पुकार वाला वो अच्छा है? तो भी चीख पुकार हुई ना बाहर, तो मुझे इसने बोला कि जाओ क्या है, उधर से काम छोड़कर इधर आया। इस मंदिर को जिस तरह मैं कवर करना चाहता था, मैं वैसे वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती है, और मेरे पास वो इजाजत नामा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोस्टल हाईवे पर। बलूचिस्तान के अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाली है, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबी हो चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।